हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही होंगे। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह है कि दोपहर के देखो 1:15 बज चुके हैं और डॉली की जो फ्रेंड है उसके हस्बैंड की डेथ हो गई है। तो डॉली कहने लगे पड़ी भाभी जी हम चलते हैं, जो अपनी दुकान के पास ही गुरुद्वारा है मंगल बाजार का वहीं पर ही है, 2 मिनट का रास्ता है, तो चलते हैं। क्रिया है आज, तो हम दोनों होके आते हैं। तो बस मैं डॉली की वेट ही कर रही थी कि डॉली नीचे उतरे। मैंने तो सूट पहन लिया था, तो उतरे तो हम जाए। हम हरिद्वार गए थे, ऋषिकेश गए थे। गाइज आपको ब्लॉग्स दिखेंगे, आप बार बार मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि आंटी आपने ब्लॉग क्यों नहीं डाला, आंटी आपने ब्लॉग क्यों नहीं डाला। वहाँ पर कोई भी सिस्टम नहीं था, वाईफाई से भी कोई, वो भी वहाँ 4G चलता है, मतलब कहने का मतलब अपलोड हो ही नहीं रहे थे वहाँ पर, बहुत दिक्कत हो रही थी। चीना कहते मम्मी ना तो कोई इंस्टाग्राम पर रील डल पा रही है क्योंकि वहाँ सिग्नल थे ही नहीं बिल्कुल भी। तो फिर घर आके अब चीना ने आके अपना ब्लॉग डाला है। 2 दिन हमारे ब्लॉग नहीं आए, सॉरी गाइज। बस हम बनाते रहे हैं ब्लॉग, चाहे दिन में 2 डाल देंगे, ब्लॉग तो हमने बनाए ही हैं। बहुत मज़ा आया। पहली बार मैंने वहाँ पर राफ्टिंग की थी ज़िंदगी में, पहली बार। मेरे हस्बैंड को भी पानी से डर लगता है, मुझे भी पानी से डर लगता है, मगर आजकल के बच्चे हैं पानी से बिल्कुल नहीं डरते हैं। तो मुझे लेके गई, मैं भगवान का नाम लेके वहाँ गई। मैं कहा हे गंगे मैया मुझे बचा लेना, क्योंकि बीच बीच में बहुत ज़्यादा ऊट ऐसे 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 जब होती है नाव, बहुत दिक्कत लगती है राफ्टिंग करते वक्त, मगर फिर भी चलो सही हो गया। चीना तो बिल्कुल नहीं डरती, चीना तो नीचे उतर उतर के पानी में मतलब कि कूद रही थी, जा रही थी। उन्होंने मुझे कहा था कि आपको पानी में जाना है, मैं कहा नहीं भैया मैं तो ऊपर ही ठीक हूँ, बस आप किस तरह फटाफट करवा के मुझे किनारे लगा दो, हम हरिद्वार आए हैं, बस हरिद्वार ही नहीं रहना चाहती, मैं घर जाना चाहती हूँ। बस अभी अभी मैं और डॉली आए हैं गुरुद्वारा साहिब से। बड़ा दिल दुखता है जब किसी का कोई घर का मेम्बर जाता है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। बस ये भी आने वाले हैं, तो फटाफट मैं यही तैयारी कर रही हूँ कि इनकी सब्जी बना दूँ और इनको रोटी बना के दे दूँ। चीना और इनके लिए तो रोटी बनानी पड़ेगी, वहाँ लंगर प्रसाद था, मैं डॉली हम तो खा के आ गए थे। रसोई का सारा ताम धाम बिल्कुल बिखरा पड़ा, सारे के सारे जो कब्जे हैं सब में जंग लग गया है, तो भैया सारा ठीक कर रहे हैं, सारा का सारा। वो कह रहे हैं अब एक ही बारी आपका किचन सारा सही कर दिया, सबके सब देखो उतार दिए हैं पल्ले, और सबके जो कब्जे हैं जंग लग गए हैं। आखिर जितना मर्जी स्टील के बोले वो होते भैया होते तो लोहे के ही हैं। हाँ जी, होते लोहे के हैं। देखो सारे के सारे पल्ले उखड़ गए, तो थोड़ा 2-3 घंटे लगेंगे रसोई की, काया पलट जाएगी। किचन का साथ साथ काम कर रहा है और साथ साथ मैं बैग खाली कर रही हूँ। चीना का जो हमने कपड़े पहने थे जो धोने हैं, धो के रखूँ, कई लपेट के रखे, कई कपड़े तो पहने ही नहीं हैं। और ये देखो गाइस, ये चद्दर मैंने बदल दी है, चद्दर वो वाली बदल दी है। ये देखो कोको बुची ने पीछे से क्या करा है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो गद्दी का ये देखो, ये साथ में कुशन थे ना, ये कुशन का ये देखो गाइस, मुँह से खींच खींच के उधेड़ दिया सारा, ये देखो फट गया। अब मैंने चद्दर चेंज की है, चद्दर नहीं बिछाती हूँ, और साथ साथ ये भी गाइस सिलवा के लाती हूँ। ये पीछे से मैं थी नहीं, इसके पापा ने ध्यान दिया नहीं होगा, तो इन्होंने यहाँ मुंह से खींच खींच के सारी फ्रिल को फाड़ दिया, यानी कि सिल जाएगी वो तो मैं सिलवा दूँगी, मगर ये देखो ये ऐसी हरकतें करती है। और चद्दर मैंने चेंज की, मैंने कहा चलो मैं ये सारे कपड़े समेटती हूँ बैग। बैग ले जाना बहुत आसान होता है और बैग को खाली करना बहुत मुश्किल है। ये वाली कुर्ती है गाइस, कश्मीरी कुर्ती है, बहुत अच्छी लग रही थी चीना पे। आपने नहीं देखी पहनी हुई तो इंस्टाग्राम तरुण बसरा 9 पे जाके देखें, चीना ने ये पहनी हुई है कुर्ती, बहुत अच्छी है, साथ में वाइट पैंट। बस अभी अभी हम कमल की दुकान पे आए हैं। ये देखो गाइस यहाँ पर पार्टी चल रही है, पार्टी मिर्च वाली हरी पार्टी। आपको मंगल बाजार अच्छा लगता है ना, ये वाली मंगल बाजार अच्छा लगता है? नहीं, मंगल बाजार की कचौड़ी अच्छी लगती है ना। हाँ, और पूजा भी आई हुई है और हेमा भी है, मंगल बाजार का अपना मजा ले रहे हैं। हाँ तो नहीं, तूने नहीं खाया, मैंने भी नहीं खाई, मेरे को बोलते रहे। मैं हम खुद 2 दिन हरिद्वार से होके आए हैं, बाहर का खा के हमारी इच्छा नहीं है। और चीना ने बहुत सारे क्लिप लेने हैं, तो चीना कहती है मैं पहली बार तो आई है। चीना कहाँ आती है मंगल बाजार में? ये भी पैक करा रही है, तू भी पैक करा रही है चीना? अच्छा, मैंने तो मना कर दिया, मैं मेरी तो इच्छा है। अच्छा लिखा हुआ है, हाँ गाइस ये लिखा हुआ है, एक बार जरूर खा के देखें। तो चीना का, चीना फिर भैया का कहना मान रही है ना? नहीं, मेरा माना है, तेरा मन है? अच्छा तू, अच्छा मैं भी खाती हूं। अच्छा अच्छा, मेरा दिल नहीं है, मैंने बाहर का बहुत खाया ना 2 दिन। चल ले जाएगी, कोई बात नहीं। भैया नमक मिर्च कम डालना, सही डालना, चलो सही डाल। चल क्लिप ले ले जल्दी से। बस अभी भैया की दुकान पे आए हैं चीना को क्लिप दिखाने के लिए। अब पूजा तो देख रही है, चीना देख नहीं रही और पूजा देख रही है, उल्टा काम हो गया। हाँ। ये वाली पूजा कौन से देख रही है?
मासी ये वाले देख, हाँ बहुत सुंदर लग रहे हैं, देख हाँ ये बहुत सुंदर लग रहे हैं भैया। किस तरह प्यार है, 30 का देखो आगे तो नहीं सुंदर लग रहा है, वैसे सुंदर लग रहे हैं, कोई भी कलर नहीं लेने, कलर है अच्छे हैं। युति कर रहा था ना, नहीं बोला था का कलू क्या, मैं मम्मी ना म्यूट करने को बोल रही टीवी। गाइस अब मेरे कमरे में तो किसी ने टीवी लगाया नहीं हुआ, तो मुझे पता हो कि सेटअप बॉक्स भी होता है। तेरे कमरे में पहले सेटअप बॉक्स नहीं था आज तक, उससे पहले एयरटेल एक्सट्रीम का था वाईफाई, उससे पहले हमारा दूसरा वाईफाई था। सेटअप बॉक्स सच्चे होते हैं। क्या काट रहे हो आप, गोभी बनानी, गोभी काट दे दो इसको, गोभी खाएगी ये नहीं खाते। गाइस देखो मेरा कवर आपने देखा ही होगा, वैसे कैसा लग रहा है, है। और क्या कहते हैं, चादर बिछा दो यार, आओ बिछा लेते हैं मिलके, तो आ जाए ले। क्या बिछा रही हूँ अभी, तेरे सामने भाई रसोई का काम करके गया है, उसके बाद तू लेगा मेरे से मंगल जार बजा, मैं भाई को छोड़ के मंगल जार भागी तेरे साथ पीछे, अपने आप बेचारे चले गए काम करके। अब आई तो बाजार से सब्जियां लेके आई, मैं तो फटाफट गोभी बना दू, गोभी को क्लिप मम्मा आपको दिखा देगी, ये कोको पूछी को सिंघाड़े खिलाए हैं, ये सिंघाड़े वो हैं, और ये बाकी कपड़े हैं, ये ब्रिंजल है, लड्डू गोपाल जी के भी कपड़े आए हैं, कपड़े नहीं वो कपड़े नहीं आए, उनका डब्बा आया, डब्बा जिनमें कपड़े रखते हैं उनके अच्छे वाले, मतलब भारी कपड़े अलग करूंगी, हल्के कपड़े अलग करूंगी जो रेगुलर डालते हैं। अच्छा ये गोभी खाएगी, हाँ ये शायद खा ले, ये लो बेटा गोभी खा लो, गोभी खाओ दे दे, ये सिंघाड़े खा के इसका पेट भर चुका है, रख दे फेंक दे वहां, फेंक दे, सिंघाड़े खा के इसका पेट भर चुका है, उसकी गोभी की इच्छा नहीं है, निन्नू आई, निन्नू निन्नू चीना मेरे साथ मंगल बाजार गई थी, तो ये वाली सुइयां लेके आई है कलरफुल, इसको सुइयां शुरू से पसंद है, बस एक बार सुई लगती है उसके बाद कहीं उतर जाती है पता ही नहीं चलता, और दोबारा मिलती नहीं है, ये क्लिप लेके आई है, ये दोनों साइड लगाती है क्लिप, और एक ये लेके आई है वाइट कलर का बो लेके आई है, ये भी सुंदर लग रही है, ये भी बो लेके आई है ये, और साथ में वो कचौड़ी लेके आई है, ये कचौड़ी लेके आई है आप भी खा लेना। हाँ ये कि देखो साबुत है, इसने मोट कचौड़ी में कचौड़ी तोड़ के नहीं डलवाई, ऐसे ही लेके आई है। गाइस ये टिंडे लेके आई हूँ पाओ, सिर्फ ज़्यादा लगते नहीं है, 6 टिंडे हैं गिनती के, 3 ये खा लेंगे 3 में, बच्चे खाते नहीं है, और एक ही बैंगन लेके आई हूँ मैं, आलू बैंगन बनाऊँगी, हाँ आलू बैंगन नहीं अभी तो वो गोभी बना रही हूँ, और कल ये पाउच लेके आए थे बच्चों के, और भैया ने ये दिया है इनको बच्चों को खाने के लिए, पप्पी का है ये, कह रहा है कि ये सैंपल दिया है, सैंपल कि बच्चों को ये ऐसे है ये दाने, अच्छा लगे ना इसका बड़ा पैकेट ले लेना, कहता है अच्छा लगे तो इसका बड़ा पैकेट ले लेना, तो मैंने कोको पूछी को इन्होंने कल दिया तो उन्होंने नहीं खाया, आज इशू आया, इशू प्यार से खिला के गया, दोनों बच्चे ने खा लिया, कल मूड नहीं होगा, ये भी फ्री सैंपल, मतलब ये इसलिए देते हैं कि ताकि हम उनसे ले सकें, और ये कपड़े हैं गाइस सारे, ये अभी बिल्कुल इसकी इंस्टाग्राम पे रील बनेगी इनकी, ऐड करनी है, ये की नहीं है, अब टाइम मिलेगा तो इसको भी एक एक करके पहन के इंस्टाग्राम पे रील बनाऊंगी। रात के 10:30 बजे हुए हैं, ये कपड़े धुल रहे हैं गाइस, डबल बेड की चद्दर है ये, धोई है मैंने इसको, अलग से ही मैं धो रही हूँ ताकि इसका कलर ना छूट जाए, और ये कपड़े मैं धो चुकी हूँ, और ये सारे के सारे सब, ये सब चेंज किए हैं, किचन का सारा चेंज हुआ, ये ताम झाम है उतारा है, नया लगाया, ये पूरा लिफाफा भर गया है कब्जों से, बस एक तरफ गोभी बनने रख दी है, इसमें सरसों के तेल में बना रही हूँ गाइस गोभी, सरसों के तेल में बिल्कुल करारी बनती है, मेरी मदर इन लॉ कहती थी इस सूखी सब्जी हमेशा सरसों के तेल में बनाओ और वो अच्छी बनती है, और एक तरफ दूध उबाल के रख दी है, बस गोभी बनते ही साथ साथ रोटी बन जाएगी। गोभी बन के बिल्कुल तैयार हो चुकी है गाइस, बहुत टेस्टी बनती है, मैंने इसमें आलू नहीं डाले, आलू मेरे को अच्छे लगते हैं, मेरी मम्मी को भी शुरू से मेरी मम्मी बनाती थी ऐसी गोभी बनाती थी फ्राई करके छोटे छोटे टुकड़े, और बहुत टेस्टी लगती है, इसमें अमचूर भी डालो तो और ज़्यादा टेस्टी लगती है। सो जाओ टाइम हो गया सोने का, और कोको को देखो वो गोल्डी के स्कूटर के नीचे बैठी हुई है, हाँ तो और क्या, ये देखो ये महारानी सो गई, हाँ वो स्कूटर के नीचे बैठी है, उसको आवाज़ मारो क्या आ जा बच्चे,
कोको नहीं अभी बाहर जाके बोलना उसको बड़ी आ रही है। मैं आज बाहर बोलता हूं, उठा 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 लाता हूं उसको। हां उसको उठा के ले आओ। डाल ले आओ। मैं कल गोलू का फोन आया था। अच्छा तो मैं गोलू को कह रही मैं गोलू बच्चे दिखा तो गोलू जैद को दिखा रही है यहां तू बस सबको दिखा देती है। मैं कहा मेरा बड़ा दिल करता है कि बच्चों के साथ ही रहूं, जब जाती हूं तो बड़ा अच्छा लगता है बच्चों के साथ। तो गोलू कहती है कि मम्मी आप भी चंडीगढ़ में ही आ जाओ, यहीं पर ही एक मकान ले लो। मैं कहा तेरे घर के पास तो अच्छा लगता है जहाँ लड़की रहती हो मम्मा रहती हो। कहती कोई बात नहीं बहुत सोसाइटी आगे पीछे कई सोसाइटी आगे पीछे तो वहाँ पर ले लो। कहती बहुत अच्छे अच्छे हैं, दो कमरे के तीन कमरे के, वो तो आपके ऊपर है कि आपको कितने चाहिए, आपको तो दो कमरे का भी बहुत है तो यहीं पर ही आके रह लो। तो मैं कहा पापा की शॉप। कहती पापा का क्या, पापा यहीं आ जाएंगे अपना, कभी आ गए कभी यहाँ आ गए कभी वहाँ आ गए। मैं कैसे धोना होता है। कहती हम यहीं पर ही शिफ्ट कर जाओ, हो जाए शिफ्ट, यानी हम चंडीगढ़ से जाते हैं मकान चंडीगढ़ शिफ्ट कर लेते हैं। मकान थोड़ा होगा शिफ्ट, मकान तो नहीं होगा, सामान चंडीगढ़ शिफ्ट हो जाते हैं और दुकान भी होगा। मकान सामान नहीं लेके जा सकते चंडीगढ़, हम वो मकान लेंगे जो वाला जो वेल फिनिश होता है। हाँ वेल फिनिश होता है, पहले हम रेंट पे लेके देखते हैं, खरीदते नहीं है। पहले हम रेंट पे लेके देखते हैं वेल फिनिश का, अगर हमारा सही लगा तो फिर हम हाँ फिर हम खरीद सकते हैं सामान सामान समेत। गुरु कहते हैं मम्मी वहाँ आके ले लो। हाँ कोई बात नहीं, फिर देखते हैं। कन्नू भी देखते हैं, कन्नू चीना से सलाह करती हूँ, अगर वो चलते हैं तो हम भी वही देख लेते हैं। हाँ बात करती हूँ, ठीक है। बस आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और हमारी इंस्टाग्राम की आईडी तरुण बसरा 9 उसको भी जाके फॉलो कर लो जिन्होंने नहीं किया। और बाकी हमारे जो ब्लॉग हैं फेसबुक पे आते हैं फैमिली चैनल के नाम से, वहाँ भी हमें फॉलो नहीं किया, वहाँ भी जाके हमें फॉलो कर लो। मिलते हैं कल आपको नए ब्लॉग के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।